नमस्कार मध्याह्न खबर को स्वागत करुछु मु शक्ति बुलेटिन को आकु नवा पूर्व प्रथम देखिनबा कोन रहिछ वर्तमान हेडलाइंस। भाग बढ़ाई चिंता नुआपड़ा अदिनिया वर्षा भिजिला वर्षक परिश्रम टोकन लैब्स जोगु मंडी में पड़ रही क्विंटाल क्विंटाल बस्ता धान द्वितीय दिन में भी गृह अचल विरोधी होहला जो आगे पारानी गृह अपराह चारटा जाए गृह मुलतवी पटे धान मंडी प्रसंगे गृह में उत्तर रखिले जोगाण मंत्री कहले चलित वर्ष रेकर्ड परिमाण धान संग्रह हो नीति आयोग षष्ठ परिचालना परिषद बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन कहले द्रुत विकास चाहूँगी देश प्रत्येक गरीबों को पक्का घर देवा लक्ष्य व्यापार को आहुरी सशक्त करने को पड़े। तृतीय दिन में बीजेपी सद्भावना पदयात्रा कुलिया हनुमान मंदिर मल्लीपुरा मंदिर जाए चली राली अच्युतानंद जन्ममाटी में शांति फेर आह्वान पिटब कि समाधान बाट मोल्डो बॉर्डर में भारत चीन मध्यरे कमांडर स्तरीय दशम पर्याय कथबार्ता जारी देवसांग और गोग्रा हट स्प्रिंग आलोचना भारसाम्य हर ओलटिला आंबुलांस रोगी सह दुई मृत दुई गुरुतर पश्चिमबंगु रोगी नहीं आसुवा बेले टांगी बंदाल टोलगेट निकट में दुर्घटना गुरुतर को एसीबी भर्ती। हाथी मृत्युर कारण खोजा कलापाटे तीन जनिया केन्द्रीय विशेषज्ञ टीम घटनार अनुध्यान सह हाथी को किपरी व्यापुची रोगो जांच करुछी दल पुणी कड़ाकड़ी हो पारे कोरोना कटकणा कोविड संक्रमण वृद्धि को दृष्टि रखी स्वास्थ्य विभाग सतर्क सूचना सबु जिलापाल भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिश्नर और पौरपालिका कमिश्नर को चिठी एवं ओडिशा पागरे परिवर्तन आज और काले विभिन्न जिला आकाश मेघाच्छन्न सह रहिबा कोहला पाग दुई दिन पर पुणि स्वाभाविक स्थिति को फेरिबा राज्य पाणिपाग विज्ञान केन्द्र सूचना। वर्षा भिजिला धान नुआपड़ा जिले में दाउ साधी वर्षा अदिनिया वर्षा जो हजार हजार बस्ता धान भिजी विभिन्न मंडी में प्राय दुई लक्ष धान बस्ता पड़ रही प्राय तीन हजार चाषी धान टोकन लैब्स जो मंडी में पड़ रही किसी दिन हेब अदिनिया वर्षा लगि रही मुंडे हाथ दे चाषी किभली धान उठब ताकू नहीं चिंतार पड़ी चाषी ये वर्ष टे वर्षा काजे भल फसल होता लेकिन दुई पैसा मिलवा काजे आम सरकार जेन आम मंडी व्यवस्था कर दुई पैसा मिलवा काजे मतलब करूँ धान चाष लेकिन भल हिसाब से आनी छुँ एटा जानुरी तीन तारीख मोर टोकन थिला लेकिन तीन तारीख कण आज फेब्रुआरी ए कोड़े तारीख हो गलान धान नहीं उठवार वर्षा तीन दिन हो गलान पूरा सब भिजी भुजा जी से धान मने पूरा सब पूरा भिजी जी तो केबे उठवा काणा करवा किछि आमके सजेसन गुटे हेले देते कि सीएसओ ऑफिस गनु कलेक्टर ऑफिस गनु सब पूरा गनु लेकिन हाँ हाँ उठवा उठवा बोली करी आमके खाली एंती कही जोछन लेकिन केबे आमर धान नहीं उठावार अगर आमर धान नहीं उठाले आगे आम आर नहीं बची पारू ना आमर छुआ पिला केन केन हिसाब से पोसी पारमु धान आम आनी छु किछि मुनि गले दी पैसा पे मोर गोटे आशा आम अच्छु आज पर्यंत मोर बाईस थिला से एक लसला मोटा बाईस थिला आज पर्यंत आम पड़ी रही वर्षा पानी आदिगला पाँच के जी काटू सर एवं दस बल के उपाय आम करमु किसान आम तुनिक रहलु कौन सी काम धाम उठे पार्बार नहीं कौन सी पाठ साठ पढ़े पार्बार नहीं कि आम कौन सी काम अटक जाए जदि इटा काम के नहीं उठाले आम किसान त्राही नहीं ना आर कि मन आर दुखी कर रही जीमु आरु आम क्या बुद्धि करमु आमको से रास्ता गोटे आमको देव बोले आम सरकार के जनाऊ आम मंडी चलला बेलके जिन टोकन इश्यू है टोकन इश्यू पर से टोकन अनुजाई टार्गेट नहीं आसबार धान पूरा पड़ी रही छे आउ भितर आमके अदिनिया वर्षा मान जिन आमके दाऊ साजिचे आउ धान रे पानी पड़गला ना आउ टोकन जल्दी रिजेनरेट करके जदि धान नहीं उठा जाए बेले चाषी कुल हंतसंत हो जिबे आउ जीवन जीविका आज भी विधानसभा अचल चाषी समस्त ने विरोधी प्रबल हट्टगोल जो आगे पारिनी गृह कार्य यापर गृह को अपराह चारिटा पर्यंत मुलतवी रखा अनेपटे विरोधी हट्टगोल जो आज धान मंडी प्रसंग में उत्तर रखिंट जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई विधानसभा उत्तर रखि से कहते चलित बर्ष रेकर्ड परिमाण धान संग्रह करपटे आज पूर्वाह दसटा तीस मिनिट समय गृह कार्य आरंभ होता
गृह कार्य आरंभ होगा मात्रे विरोधी माने हाथ में प्लाकार्ड धरी प्रबल हट्टगोल करते धाना समस्या ने उभय बीजेपी और कांग्रेस सदस्य नाराबाजी करते यापर 11:30 जाए गृह को मुलतवी घोषणा करते बाचस्पति पुणी थे 11:30 गृह कार्य आरंभ होता यापर गृह धान संग्रह उपर उत्तर रखी मंत्री चलित वर्ष 55.03 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह कर गत वर्ष 45.61 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करा कि पूर्व वर्ष अपेक्षा अधिक बोली से सूचना देते तेज विरोधी प्रबल हट्टगोल जो गृह कार्य चली पार यापर अपराह 4 जाए गृह को मुलतवी रखा जा आपण माने देखिबे गत खरीफ तुलन रे चलित खरीफ रे 25% नाममात्र चाषी और 20% अधिक क्षुद्र चाषी सरकार को ध्यान भितर कर सारे एवं ये प्रक्रिया जारी रही आम प्रकृत रजिस्टर चाषी जो माने अच्छा जो मान पाखे वैध टोकन अच्छी से धान किणवा कार्यक्रम कर चलीचु कौन सी उपाय ये कार्यक्रम जिते आर्थिक संकट हेले जदियों केंद्र सरकार आमर एपर्तंत जाके आमर सब्सिडी मनी देना तथापि आम ये कार्यक्रम को जारी रखीचु एवं ये कार्यक्रम जारी रही तेणु कौन सी उपाय जो माने रजिस्टर्ड चासी जो माने प्रकृत में भूत चासी नुहति जो माने आम सिस्टम अच्छा समस्त को आम से कार्यक्रम करूँ दबू गोटे अपारग सरकार ओडिशा रे चलछि भारत वर्षरे आउरी अपारग कारण एपर्यंत मंडी रे धान भर्ती हेछि वर्षा रे गजा होइलानी धान हाथी नष्ट कर देलानी बहु जगार धान पोड़ी गलानी बहु जगार पड़ी रहिछि धान आमे चित्कार करुछु खाली 7 थर आर्जन हेछि आज भी गला सरकार रो निदो भांगुनी भारत सरकार नवा कथा 60 लक्ष मेट्रिक टन धान से नौना कहते लक्षे ए 10 लक्ष मेट्रिक टन किणबू 60 लक्ष रु ऊर्ध धान गाँ गहली पड़ रही घर मानक पड़ी मु गोटे चाषी मो घर आर आर 70-80 बर्षा धान पड़ रही मंडी भर्ती कहीं शुणा को नहांती जो टुकन गुड़ा दिया है तो सब रिजेक्ट हो नुआ टुकन देवार प्रस्ताव नहीं दिन आम अवस्था शोचनीय है विधानसभा सरकार निद भांगुनी ना भारत सरकार ना ओडिशा सरकार आमर डिमांड आगो धान किण धान चाषी के बचाओ 82 भाग चाषी हेले आम ओडिशा रे गरीब क्षुद्र चाषी मध्यमित चाषी आम मध्यवित चाषी अवस्था शोचनीय सर मंत्री गृह उत्तर रखते हैं तो हवाला करते गृह चलो मंत्री आउ थे उत्तर धान किणीदबू आम 7 दिन भितर गोटे बस्ता किणी पारे आम मंत्री कौन विश्वास रखू मुख्यमंत्री निजा स्टेटमेंट दौना 7 दिन भितर सब किणा हम कि आरंभ कर दौना निजे मुख्यमंत्री कौन कर खाली 7 थर अर्जुन आज है निजे आसिक रिप्लाय दिंतु आज कांग्रेस दल तरफ अर्जुन मोशन दिया किंतु दुखर कथा जो बीजेपी दल विधायक मैंने चाषीपाई एत दरदी देखते राजरास्त आज विधानसभा तार उपर आलोचना हबार कथा जे आज अर्जुन मोशन कांग्रेस पाली का पाली किंतु आज आम कांग्रेस दल पाली आम चाहूँ जो चाषी मान संपूर्ण वन डे गोटे आलोचना हो गए ठोस निष्पत्ति चाषी मान हो आज आप देखुवे का नुआपड़ा जिलार सीनापाली ब्लक गोटे चाषी विष पिक 85 पकेट धान तार जेहेतु सरकार किणी पार्लानी तार टोकन लैप्स होगा आखि आगे रखिकर से बारंबार मंडी को गला तार कौन प्रकार सरकार शुणिले ना से का विष पिकरी आत्महत्या कर उद्यम कर अशांत होहांगाटी महांगार शांति फेर आने दावी आज बीजेपी पक्षर सद्भावना पदयात्रा आयोजन कर आज सद्भावना पदयात्रार तृतीय दिन नेमालरु आरंभ होता पदयात्रा आज तृतीय दिन में कुलिया हनुमान मंदिर बाहरी मल्लीपुरा मंदिर जाए पदयात्रा चलो मंत्री प्रताप जेना महांगा डबल मर्डर घटन तदंत परिसरभुक्त करने को बीजेपी दावी करपुरुष गड़ महांगारे दिनकू दिन अपराध बढ़ुता बेले
शांति फेराइ आणिबाकु दल पक्षरु प्रयास करा जायछि। आज तृतीय दिन आम प्रभु रघुनाथ जी पीठ आम सहित जोड़ी होती महांगरबम प्रतिनिधि सुशांत साहू। सुशांत, सद्भावना यात्रार तृतीय दिन में वर्तमान कौटी पहुँची यात्रा एवं यात्रा को किभली भाव में आपड़ देखुं समर्थन लोक मानकर स्थानीय जनसाधारण केते सफल हो सद्भावना यात्रा वर्तमान सुधा निश्चित भाव शक्तिशाली देखते आपण आज जो बीजेपी पक्षर जो सद्भावना पदयात्रा करतीय दिन तृतीय दिन में आप देखिपे मुझे क्यमेरा पर्सन अनुरोध करेंगे सीधा सल दृश्य देखिए बहु संख्यार बर्तमान देखिपे जनसाधारण आसी जोग दौरान सहित यही जो सद्भावना पदयात्रा कर मुख्य उद्देश्य हूँ माँ गाँ जोटा कि महापुरुष अच्युतानंद मटी से मटी में किपर शांति फेर अणाजपाई जो सद्भावना पदयात्रा करतमान देखिपे भुवनेश्वर जिला बीजेपी सभापति बाबू सिंह ता सहित कटक जिला बीजेपी सभापति प्रकाश बेहरा सद्भावना पदयात्रा जोग देते बर्तमान ये पदयात्रा जातमान ये पदयात्रा महांगा अभिमुख्य जात्रा करुच्ची आम सहित जोड़ी सह आलोचना करवा कौन कह आज्ञा देखुं बर्तमान सद्भावना पदयात्रा जो तीन दिन आज तृतीय दिन में पहुँची या कौन कहे प्रथम कथा हूँ महांगा मटी में शांति फेर कितु महापुरुष मटी में दिनक दिन देखा अशांति बढ़वे लगे किंतु पुलिस अपारगता सब मुख्य मैं आगे रोचे पुलिस प्रशासन संपूर्ण भाव राजनीतिक कबल अच्छी जेहेतु महांगा निर्वाचन मंडल जे विधायक अच्छा सी हूँ आईन मंत्री जन प्रभावशाली मंत्री एवं कि बंधु तर कि सहयोगी माने पुलिस में ये हूँ प्रथम कथा। द्वितीय कथा हूँ जेहेतु सी ये निर्वाचन मंडल लोक नुहति तेणु राजनैतिक हिंसाकांड घटे ये केमती पावर रे किभली भाव निज शक्ति प्रदर्शन करेंगे और महांगारे किए मरुची बचुच्छर से किसी लेनदेन ना से सी ताकू गोटे गोटी खेलुं महांगा निर्वाचन मंडल कौन सी प्रकार सी चाहूँ ये शासन में रहापी जहाँ आवश्यक ये विरोधी दल कर्मी मान मारुले एवंतर निज दल कर्मी मध्य मर्डर करने से पछौ ना सर। आउ गोटे कथा आईन मंत्री जो मंत्री पदर रे जो घटना जो आप दुज कर्मी को हत्या कर घटना कहते दल जो कर्मी को हत्या कर घटन न्यायिक तदंत हो पार देखो कौन न्यायिक तद न्यायिक तदंत आम कहीपर कोर्ट को आम दोष दे पारा ना किंतु जो भाई ढंग से प्रशासन चली जो भाई ढंग से पुलिस चली निश्चिंत भाव में कौन से प्रकार न्याय क्या मिलना जदि न्याय मिलबार था एत घटना घटी न था यही दुई दिन तले जड़े महिला से ही अंचल गणदर्शन कर मारि दि जा हत्या करेणु ये घटना प्रतिदिन घटना घटू ये सब कल केवल गणहत्या नुह अशांतिर गोटे वातावरण सृष्टि करापूरी निर्वाचन मंडल में करप्शन टू आरंभ करी गुंडागिरी टू आरंभ करी चोरी डकायती राजहानी सबु थेरे राजनीतिक प्रोत्साहन रहुची एवं एथिरे एमाने सीधा सीधा भाव में संप्रत अच्छे प्रकाश बेहरा मतलब आम सहित भुवनेश्वर जिला बीजेपी सभापति बाबू सिंह जोड़ी सर कौन कहे घटनाटा देखुं जो महांगा मटी बर्तमान कह गए हिंसा और राजनीतिक हिंसा बढ़वे लगी सहित पुलिस प्रशासन कार्यानुष्ठान प्रश्नवाची सृष्टि होती जिते भी घटना देखा सर पुलिस पीड़िता परिवार को न्याय देवे विफल हो पवित्र महांगा मटी ओडिशा मानचित्र महांगार एक स्वतंत्र स्थान रही बहु महापुरुष महांगा माटी को गौरवान्वित करिसंती किंतु दुखर विषय विगत 10-15 वर्ष भितर महांगा माटी को केवल रक्त रंजित करना आको कलंकित करते मर्डर केतबेले विभिन्न प्रकार नारी निर्यातना आज महांगा माटी की जो माने कलंकित करुछंती ए निर्वाचन मंडली को से माने प्रतिनिधित्व करुछंती भस्मासुर भलिया केवल विरोधी दल नुह दल नेता मार पछौना तेणु महांगा को जो माने कलंकित महांगा को जो माने रक्त रंजित करुद्ध आज सद्भावना यात्रा लोकों भितर सद्भावना भरी भरी जाऊँ जो माने ये मटिक कलंकित करुद्ध लोकमत सृष्टि हाँप आज सद्भावना यात्रा महांगा माटी को जो माने कलंकित करुछंती
ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦିଦି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ କାମ ବେଳେ ଲୋଡ଼ା ଏବେ ତଡ଼ା, ଅପମାନ କରି କାମରୁ ଛଟେଇ, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଏନ୍ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଶା ଦିଦି ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ନା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ନା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଏମ୍। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟରେ, ବିପଦ ସମୟରେ ଯେଉଁ COVID-19 ମହାମାରୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଅହର ବୁଲି ବୁଲି ଘରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ, 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ଦାବି, ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଆମେ ଏନ୍ଏମ୍ ମାନେ ଆମେ ପାସ୍ କରିକି ରହିଛୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଏବେ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଏତେ ନହନ୍ତି ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆମେ ସରକାର ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ, ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ଇଲେକ୍ସନରେ 10,000 ବାର ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକିରି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ୍ପେନିଂ କରିବୁ। ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ନୀତି ଆୟୋଗର 6ତମ କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଗରିବଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଦେଶ ଏବେ ବିକାଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦେଶର ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ଲାଗି ଏବେ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରାଯିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଏପରିସ୍ଥଳେ କୃଷକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପିଠିପକ୍ଷୀ ସମାଧାନର ବାଟ ମୋଲ୍ଡୋବାଡ଼ାରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି। ଦେବସାଙ୍ଗ ଓ ଗୋଗ୍ରାହଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଉପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏଲ୍ଏସି ନେଇ ଦୀର୍ଘ 10 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେବା ପରେ ପୋଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଉଭୟ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ପଛକୁ ହଟିଛନ୍ତି। ଏ କ୍ରମରେ ଆଜି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ 10ମ ରାଉଣ୍ଡର କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ମଦ ପିଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ବାଡ଼େଇଥିବା ପୁଲିସ ବାବୁ ହଟହଟା, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ସୁରୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ଡଙ୍ଗର ଭେଜା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଗତକାଲି ମଦ ପିଇ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ବାଡ଼େଇବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ କାଟି ହୋଇ ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ। କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଲ ବୋଲି ପଚାରିବା ପରେ ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ରାତିରେ ଘରୁ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ 3 ମୃତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବନ୍ଧାଳ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ମିଦିନାପୁରର ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ରୋଗୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଟାଙ୍ଗୀ ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ସିବିରେ ଆଉ 2 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ ବନାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯୁବକଙ୍କର ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ବାପ ମୃତ ପୁଅ ଗୁରୁତର, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା କଙ୍କଡ଼ା ସୋଡ଼ା ଗାଁରେ।
आउ जणे युवती को किछि युवक कमेंट मारुथवा देखि युवती जेजेबापा विरोध करथिले। परे एहाकु नै सेमानक मध्ये कथा कटाकटी होइथिला। उत्त्यक्त युवक माने संगबद्ध भावरे वृद्धंक आक्रमण करथिले। खबर पाई युवती बापा सेठारे पहुंचिबा परे से मध्ये युवकंक आक्रमणर शिकार होइथिले। परजंग पुलिस उभय बापा पुंक उद्धार कर परजंग गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र भर्ती करते तेज जेजेबापा चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होता बेले युवती बापा अवस्था संकटापन्न रही। एथपाई मंडापाड़ मेडिका को स्थानातर कर घटना को नहीं गांव उत्तेजना लग रही बेले पुलिस तदंत चल। कल्लापाटे हाथी मृत्युर कारण खोज अभयारण्य जाए घटनार अनुध्यान करजिया केन्द्रीय विशेषज्ञ दल टीम डॉक्टर करिकालन माथेस वैज्ञानिक सेंटर ऑफ वर्ल्ड लाइफ डॉक्टर पीपी पंडा कोऑर्डिनेटर नेशनल एलिफेंट सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन साहू रही। कल्लापाट अभयारण्य 14 दिन मध्ये 6 हाथी मृत्यु हो हाथी मृत्युर कारण ह्यूमेरेजिक सेप्टिसेमिया बा शाहण रोग बोली कहा जाउछि। तेबे एही रोग हाथी को किपर संक्रमित होला तार जांच करुछि केन्द्रीय टीम। गतकाली दल भवानी पटनारे पहुंचिबा परे प्रथमे आरसीसीएफ सुदीप्त दास एवं विभाग रा अन्य अधिकारी को आलोचना करथिले। संबलपुर पाइबा प्रधानमंत्री उत्कर्ष पुरस्कार। जिले में 2019 मसीह अभियोग शुणापी आरंभ हो गोटे जिला गोटे नंबर पोर्टाल और कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी साधारण प्रशासन रे प्रधानमंत्री उत्कर्ष पुरस्कार पाइबा देशर पूर्व क्षेत्र मनोनीत हो सारा भारत 149 जिला एथपाई आवेदन कर उत्तर क्षेत्र 4 जिला दक्षिण पश्चिम और पूर्व क्षेत्र 3 लेखाएं जिला मनोनीत होती। पूर्व क्षेत्र में बिहार सिरोही जिला मध्यप्रदेश चिनवारा जिला सहित ओडिशार संबलपुर जिला मध्य रही। पुणि कड़ाकड़ी हो पारे कोरोना कटकणा। कोरोना संक्रमण वृद्धि को दृष्टि रखि स्वास्थ्य विभाग सतर्क सूचना जारी कर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त कुमार महापात्र एने सबु जिलापाल भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिश्नर समस्त पौरपालिका कमिश्नर को चिठी लिखिंट महाराष्ट्र समेत किसी राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ी थी बारु आम राज्य में भी यह पुणी थे बढ़ी पारे आवश्यक सतर्कतामूलक पदक्षेप नेले ओडिशारे मध्य कोरोना संक्रमण पुणी थे बढ़िवार आशंका देखादी। संक्रमण जेभली न बढ़िबा सेतिपई कड़ा पदक्षेप नेबाकु हेबो। जनगहलीपूर्ण स्थान में कटकणा लगाजिबा सहित टेस्टिंग को गुरुत्व दिया। परित्यक्त अवस्था रे पुरीर अरबान हाट ओडिशार कला कारुकार्य हस्तशिल्प और कलार प्रचार प्रसार पर अरबान हाट खोली कलाकार माने हाट परिसर में निजर दुकान खोली संध्यार एठार कार्यक्रम आयोजित होता मात्र रक्षणाबेक्षण भाव एवं यह भूत कोठी पलटा बसला। परित्यक्त अवस्था अरबान हाट रक्षणाबेक्षण अभाव पलटला भूत कोठी अरबान हाटर पुनरुद्धार के 2009 मसीह तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल अरबान हाटर उद्घाटन करते प्राय 3.5 कोटी व्यय से हाट में 36 दुकान गृह निर्माण होता। एठार कलाकार निजर हस्तशिल्प और हस्तकला सामग्री दुकान खोलते एपरिक पर्यटकों पर प्रतिदिन संध्यार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता किंतु रक्षणाबेक्षण अभाव भूतकोटी पलटा बसला। इतिमध्ये रक्षणाबेक्षण अभाव एवं फनी महावात्या जहाँ भी ध्वंस होता तापर मरामती होनी सबुठ बड़ कथा है पुलिस प्रशासन से सिक्यूरीटी एटिक नजर अभाव निशाघर आड़ा ये पलटी खाली से नुह मो पे जहाँ भी खबर अच्छी हीरोइन चरस कि युवक सेवन कर अभोग आई सब दृष्टि को विचार को नहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन केमती निराकरण एवं किपर पुनरुद्धार ही पुणी जीवंत हो उठब यही अरबान हाट ताध्यम मो जिला प्रशासन और राज्य सरकार को अनुरोध आज लोककला जो लोककला देखिकी जो पट्टचित्र को देखिकी पर्यटन मैंने किणुले से पट्टचित्र मंदिर मठर थी आज आज्ञा से मंदिर पट्टचित्र भी करोसी मंदिर पट्टचित्र ना कारीगर मान प्रति प्रशासन नुहे
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କାରଣ ଆଜି କୌଣସି ପଥର କାରିଗର ପଥର ଖଣ୍ଡେ ପାଉନି, ପଥର ଖଣ୍ଡ ନ ପାଇଲେ ସେଠି କାମଟା କରି ବିକିବ କେମିତି? ଅର୍ବାନହାଟ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ କାରିଗର ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସମୁଦ୍ରର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅର୍ବାନହାଟକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ସହ କିଣିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଏହା ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଲାଣି। ଆମେ ବେସିକାଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି କେମିତି ଅର୍ବାନହାଟକୁ ଆମର ବିଚ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ଼୍ ଅଛି ତାର ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଅର୍ବାନହାଟକୁ ଆମେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ଼୍ ସାଙ୍ଗରେ और तापर आमे ताकू बीच संगरे लिंक करिवा पे प्रपोजल ऑलरेडी फाइनल कर दिछु। ता संगरे हैंडलूम एर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट तरफ रु से अर्बन हार्ट रे गुटे आरएफपी फ्लोट करा जाउ छी, जा फल रे लोक माने रीजनेबल रेट रे से स्टॉल कु नै करिके तांकर दुकान ते खोली परबे। अर्बन हार्ट रो पुनरुद्धार केबे कणा बेखण अभाव रु कोटी कोटी टंका रा सामग्री नष्ट हेबा कु बसलानी। पुनरुद्धार बदल रे गेट रे ताला पकाई चुप बसी पड़ी छी प्रशासन। पुरी रु वीडियो जर्नलिस्ट सनातन को स आलोक आशुतोष संग रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय जो बुलेटिन बर्तमान खबर को ये रखा। नमस्कार।